वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। और भाई आज मैंने जैसा कि बोला था, हम आप एक जगह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया करेंगे, तो अभी हम लोग आ चुके हैं दूसरी लोकेशन पे। और आज आप लोगों को एक बैड न्यूज़ सुनाने वाले हैं। जितने भी हमारे पीयूष चच्चा वाले क्या होते हैं फैंस हैं और चाहने वाले हैं, उनकी एक बैड न्यूज़ है। चच्चा जा रहे हैं ट्रिप पे, भाई ट्रिप पे, लंबी ट्रिप पे। ये रहा बस्ता और ये रहा है चच्चा जी। तो चच्चा पहली बार मतलब ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, इसीलिए पूरा कोई एक्सपीरियंस भाई ट्रेन पे यार। अब किस दस मतलब 12 साल हम कहोगे, 12 साल बाद हम मतलब प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, अभी तक गए ही नहीं। 12 साल से हमको गया नहीं है, तो अभी चलते हैं हम रोक के आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। अभी थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज वॉइज आ रही है इस वजह से, तो बाकी ये व्यू चेक आउट। और हमको पता भी नहीं था ट्रेन वगैरह पे कैसे बैठा है, तभी इसीलिए हम सौरभ के साथ। भाई ट्रेन पे तो वैसे जैसे आप बाइक पे बैठे हैं ऐसे बाकी यहाँ से भाई व्यू चेकआउट करिए, काफी ज्यादा प्यारा है। तो अभी चलिए स्टेशन पे ही आप लोगों को डायरेक्ट मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर चल जी ने टिकट ले लिया है। तो भाई कहाँ की यात्रा ले रहे हो आजकल? सरप्राइज। तो भाई यहाँ पर ट्रेन का वेट करते हुए, भैया कितने दिनों बाद आओगे? 4-5 दिन बाद। अरे नहीं यार, 6 दिन लग जाएंगे। 6 दिन भाई यार, हमको भी बताया होता, हम भी चल लेते, तुमने एंड टाइम पर बस हमको बताया। लगा यार अकेले हो, ये बात सही है, कोई मिलेगा यार? अच्छा, ओ लौंडा शर्मा का, बाकी टिकट दिखा दो नूरना, सब समझ। हाँ ये देख रहे हो टिकट भैया, और बाकी यहाँ पर वेट कर रहे हैं, जल्दी से इनकी ट्रेन आए, हम भी यहाँ से निकल जाएं। ये सही था, चाचा जी की हो गई है ट्रेन लेट, तो इसलिए चाचा जी का हो रहा है दिमाग खराब। कोई बात नहीं है भाई, ये सब सबर करोगे तभी सबर का फल मीठा ही मिलेगा तुमको भाई। ये तो ट्रेन में देखो भाई, ये सब करना पड़ता है, मीठा तो है ही भाई वहाँ। ये भाई जितने लोग देख रहे हैं इनसे पूछना जरूर कि मीठा क्या है। तो यहाँ पर वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं, हम भी निकल जाएंगे यहाँ पर। बस हमें 2 बजे तक ही रुकना है, उसके बाद चाचा अपना खुद फैसला ले लेगा। अगर छूट गए बेटा ट्रेन तो तुम्हारे बाप तुमको खान डालेंगे यहीं पर, है ना? ऐसा नहीं है, तो दूसरी पकड़ लेंगे, उसमें क्या अभी टाइम है ना। और क्या, ट्रेन है वो 3 नंबर पे आ रही है, तो हम लोग पुल से जा रहे हैं, मतलब इसका जो ब्रिज बनाया गया है। और भाई यार ट्रेन में बस यही दिक्कत हो जाती है ना चाचा? पहली बार यार कर रहे हैं, हमने कहा एक्सपीरियंस ले ले, अब थोड़ी नहीं आएंगे। बहुत दिक्कत होती है भाई, देख रहे हो पसीने पसीने। अभी अभी पता, अभी अभी पता चला ट्रेन दूसरे पास जा, ये भी नहीं कहाँ पे, हम लोग बाहर आ गए। नहीं नहीं बाहर जाए तुम यार, हमको बातों बातों में ये वाला डिब्बा चल हट भाई, देख रहे हो हम लोग बाहर निकल रहे थे भैया। क्या बताएं रे, चलो अभी कौन सा वाला लेट हुए यार। हां कौन सा वाला लेट हुआ, अब जाने नहीं दूंगा, रुक जाओ ब्लॉग बंद कर ले फिर इनको संभाल। अभी चचा को अलविदा करने के बाद हम आ चुके हैं बेला ताली में, क्योंकि कोचिंग वोचिंग करने के बाद काफी ज्यादा टाइम बच गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना बेला ताली घूम लेते हैं। तो यहाँ पर आज आए थे, हम सोच रहे थे कि एक रील शूट कर ले, तो भाई बाइक की रील शूट करने के बाद हम बैठ चुके हैं बेला ताली में। तो मैं आज काफ़ी चीज़ें डिस्कशन करने वाला हूँ, जो कि इसीलिए मैं बेला ताली अकेले आया हूँ, ना आदित्य ना कोई है साथ में, बस मैं अकेला हूँ। भाई मैं अपना सोच रहा हूँ कि भाई देखो व्लॉगिंग में कोई फ़र्क नज़र आ नहीं रहा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कंटेंट कुछ चेंज करूँ। भले एक हफ्ते में एक वीडियो डालूँ, बट वो वीडियो इतना तक अच्छा होना चाहिए कि लोग उस पर काफ़ी ज़रा प्यार मतलब दिखाएँ। तो मैं देखता हूँ, धीरे धीरे टाइम लगेगा, पहले मैं बैकअप बनाऊँगा अपना। और मैं जो चीज़ हरदोई में किसी ने कुछ भी मतलब उस चीज़ के बारे में नहीं किया, वही चीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बट उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, वो टाइम मैं लूँगा और आप लोगों को कंटेंट दूँगा। तब तक नॉर्मल व्लॉगिंग आप लोगों को देखने को मिलेंगी, और धीरे धीरे मैं जितना अपडेट मुझे मिलता रहेगा उतना मैं अपडेट आप लोगों को बताता रहूँगा। और भाई आप लोगों को मैं फ्रंट कैमरा करके आप लोगों को बेला ताली दिखा देता हूँ कि इसमें अभी काम चल रहा है। तो अभी कुछ लोग हैं जो लोग मतलब कुछ उधर साइड हैं, कुछ इधर साइड हैं, तो आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाते हैं कैसा बेला ताली हो चुका है अपना। मेरा अपना बेला ताली जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, पिछली से ज़्यादा अच्छा हो गया है। और इसमें अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो काम हो रहे हैं, वहाँ पर देख रहे हो वो सामने, ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा होगा, तो वहाँ सामने भी कंस्ट्रक्शन या कुछ भी चल रहा है, वहाँ पर पता नहीं क्या चीज़ खुलने वाला है। अब देखो जल्दी जल्दी खुलता फिर आप लोगों को दिखाऊँगा।
और थोड़ी देर यहाँ पर बैठने के बाद यहाँ से चलेंगे जिम और आदित्य को उठाएंगे और फिर यहाँ पर थोड़ी देर सॉन्ग वॉन्ग सुन लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा अकेला, देखो कभी कभी लाइफ में अकेला भी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं अकेला आ गया हूँ भाई, अकेला बैठा हूँ, थोड़ा शांत अपना माइंड करूँगा उसके बाद यहाँ से निकल जाऊँगा। तो थोड़ी देर बैठते हैं उसके बाद आप लोगों को बाकी चीज़ें शेयर करेंगे। ऊपर बैठने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और अब हमारी कोचिंग का भी टाइम हो रहा है, मतलब सॉरी जिम का टाइम हो रहा है, तो आदित्य को उठा लेते हैं और फिर यहाँ से निकल जाएंगे घर की। पर हम लोग आ चुके हैं वीडियो शूट करने के लिए, तो यहाँ पर आज जैसे कि आप लोग देख रहे हो डेली हमारे इंस्टाग्राम पर डेली पोस्ट हो रही हैं रील्स पर रील्स, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं रील शूट करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लोकेशन है जो कि हमारे भाई ने बताई है, जो कि है अंश भाई ने, जो डेली यहाँ पर आता रहता है, तो वहीं पर हम लोग आ गए हैं क्लिक करने के लिए। जैसा कि कल के क्लिप में आप लोगों ने देखा होगा चचा को मैंने स्टेशन पे छोड़ दिया था, उसके बाद हम डायरेक्ट घर पे आ गए थे और बाद में कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि उसके बाद मुझे खुद ही टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पर आज भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी रील आएंगी जो कि मेरे इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर भी हम अपलोड कर दिया करेंगे कभी कभी, तो ये तगड़ी रील है और काफ़ी ज़्यादा चलती फिरती रोड है, तो यहाँ से अभी जल्दी से दूसरी लोकेशन पर चलेंगे तो आप लोगों को वो भी दिखा देंगे। भाई लोग यहाँ पर रीले शूट हो गए हैं जो कि आप लोगों को मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम पर, तो यहाँ से अब हम डायरेक्ट निकल जा रहे हैं जिम के लिए, तो मिलते हैं आप लोगों को जिम में। पर हम आ चुके हैं अभय भाई के रील रील सारी शूट हो गए और काफ़ी ज़्यादा सही सही रील शूट हुई हैं, वो आप लोगों को मिल जाएंगी इंस्टाग्राम पे गाइस। और यहाँ पर हम आ चुके हैं यहीं पे, मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग को एंड कर दूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ और थोड़ी देर मतलब ये एक क्लिप दिखा, हाँ ये देखो भाई अभय भाई अपना गेट खोल रहे हैं, तो अभी जिम निकल जाएंगे उसके बाद वर्कआउट करेंगे फिर रात में जाकर एडिटिंग और फिर आप लोगों को इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, तो इसीलिए हम अभी ब्लॉग को एंड कर देते हैं, मिलते हैं आप लोगों को शाम को। और कमेंट लाइक और शेयर जो कुछ है सब ठोंक दो, एक्स्ट्रा भी ठोंक दो। चलिए मिलते हैं आप लोगों को कल, बाय बाय।